स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैप्टन आरजे स्टूडियो में। और मैं आपके ही कहने के अनुसार फिर से एक बार मालिश लेकर आई हूँ बच्चों की। तो आप देखिए, अगर आपको ये चैनल और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं ये मसाज कर रही हूँ, सबसे पहले मैं सिर की मसाज करती हूँ बच्चों की, क्योंकि शुरुआत ऊपर से होती है। और फिर मैं इसके थोड़ा सा सीने पे मसाज करती हूँ। सीने से पेट पे मसाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की चेस्ट जो है जिसमें मजबूत रहे अच्छे से। कहते हैं लड़कों का जो चेस्ट होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, इस वजह से। और मेरा बेटा शैतानी कर रहा है। धीरे धीरे करके 5 से 7 मिनट तक मुझे ये मसाज करना है चेस्ट पे और टमी पे उसके। उसके थोड़े से नावल में भी 2-3 बूंद डालनी चाहिए तेल की, जिससे कहते हैं कि होंठ उसके बच्चों के रेड रहते हैं, गाल नहीं फटते हैं। अगर उसके जो पेट के नीचे जो रहती है ना नावल, जिसको तोंदी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल लेके हमें पैर पे मसाज करनी है। धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना होता है। ये राइट वे होता है मसाज करने का। जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है उसमें भी मसाज करना होता है, जिसको एड़ी बोलते हैं, उस पर बहुत अच्छे से मसाज करनी होती है। बच्चों की थकान पूरी निकल जाती है और बच्चों को मसाज बहुत अच्छी लगती है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं मसाज को, जैसे कि मेरा बेटा, आप देख ही सकते हैं उसको मसाज बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे चलने लगते हैं तो उनको मसाज की बहुत ज़रूरत हो जाती है। बच्चों को मसाज की ज़रूरत तो रहती ही है, कम से कम 5 साल तक तो बच्चों की मसाज होनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की मसाज, उनकी मांसपेशियों के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ऐसे ही करके हमें दूसरे पैर में मसाज करना है, नीचे से ऊपर की ओर, और एड़ी में भी मसाज करना है। बच्चों के पैर के तलवे में ज़रूरी होता है मसाज करना। फिर मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर मैं उसके हाथों में मसाज करूँगी 2 से 3 मिनट तक। ऐसे ही करके मैं दूसरे हाथ में मसाज करूँगी 2 से 3 मिनट तक। ठंडियों में सबसे बेहतर रहता है ऑयल, सरसों का ऑयल सबसे बेहतर रहता है, सबसे अच्छा बच्चों के लिए। गर्म भी होता है और घर का हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आपके पास घर का तेल अवेलेबल हो तो आप घर का तेल सरसों का मालिश करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे तो मार्केट में कई आते हैं, मैं वैसे गर्मियों के टाइम पे मैं उसको हिमालया का तेल से मसाज करती हूँ। उसके बाद पीछे उसके बैक में मसाज करूँगी। मेरा बेटा बहुत ही अच्छे से पीछे बैक में मसाज करवाता है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक पीछे मसाज करनी होती है अच्छे से। फिर थोड़ी सी पैर में भी मसाज कर देंगे, ऐसे हिप्स की मसाज भी हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है एक्सरसाइज का, तो मैं अभी इसको एक्सरसाइज कराऊंगी। पहले इसकी अच्छे से मसाज हो जाए हिप्स की। अब मैं इसको एक्सरसाइज कराऊंगी, दोनों हाथ पकड़ के क्रिस क्रॉस कराऊंगी। उसके बाद दोनों पैर पकड़ के क्रिस क्रॉस कराऊंगी। कम से कम 6 टाइम कराना होता है। मेरा बच्चा काउंटिंग करता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे दोनों पैरों को करके करना होता है। उसके बाद एक पैर और एक हाथ को अपोजिट साइड के पकड़ के करना होता है। ऐसे ही दूसरा हाथ और पैर अपोजिट साइड के पकड़ के क्रिस क्रॉस करना होता है।
अब मैं उसके दोनों पैरों को उठा के उसके सिर में लगाऊंगी, ताकि अगर इसके पेट में ज़रा सा भी गैस बनी हो तो वो निकल जाए। बच्चों को गैस बन जाती है कभी कभी, हम जान नहीं पाते, उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो ऐसे मसाज करने के बाद ऐसे पैर उसके सिर में लगाएंगे तो जितनी भी गैस होती है सब निकल जाती है। दोनों चारों पैरों को मिला के हमें उसको खड़ा बैठा देना है, फिर उसके पीठ पे 2-3 बार मालिश करना है, जिसकी वजह से उसका सारा